इस महंगाई भरे जमाने में क्यों फालतू खर्चा करते हो? अपने हाथों का हुनर दिखाओ और एक सस्ता और अच्छा क्राफ्ट बनाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे क्राफ्ट की जिसे देखकर लोग ये नहीं पूछेंगे कि कैसे बनाया, बल्कि ये पूछेंगे कि कहाँ से खरीदा। जय श्री गणेशा दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंह की सीरू। ऐसे ही सस्ते और अच्छे क्राफ्ट बनाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने बिरला वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से आसानी से मिल जाएगी। वॉल पुट्टी डो या क्ले बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए कैसे बनाते हैं ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून वॉल पुट्टी पाउडर लिया है और 4 टेबल स्पून ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। वॉल पुट्टी पाउडर स्पून भर भर के लिया था और पानी हम उसी लेवल का लेंगे। जिस स्पून से हमने पानी लिया था उसी की हेल्प से हम पाउडर को मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पाउडर की गुठलियाँ सी बन गई हैं। अगर वो पाउडर थोड़ा बहुत भी पाउडर फॉर्म में है तो आप 2-4 बूंदें पानी और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो गुठलियाँ बनी हुई हैं उसको हाथ से इकट्ठा करना है एक साथ। इसको आटे की तरह गूंथना नहीं है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है। फिलहाल ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपने पाउडर लिया है, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे तो आपका डो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब जैसे ही सारा एक साथ इकट्ठा हो जाए, फिर इसको दोनों हाथों से इस तरीके से रोल करना है और करते रहना है कंटिन्यूसली। लगभग 4 से 5 मिनट में आपका डो बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। डो रेडी होने के बाद आप उसको जब भी यूज़ करें तो हाथ अपने क्लीन करके यूज़ करें। ये एकदम नॉन स्टिकी डो बनकर रेडी होगा। देखिए जैसे जैसे आप इसको रोल करते जाएंगे, वैसे वैसे ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ होती चली जाएगी। ऑलमोस्ट तैयार है ये। इस डो को हम गीले कपड़े में रख सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। हमें जब भी क्राफ्ट बनाना हो हम उसी टाइम इस डो को रेडी करें और क्राफ्ट पर काम करना स्टार्ट कर दें। इस डो को मैंने गीले कपड़े में रख दिया है। चलिए अब चलते हैं आगे की प्रोसेस। ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, ये मेरे मिक्सर जार में निकला हुआ था, इसका कोई यूज नहीं दिखा मुझे तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लिया जाए। ये प्लास्टिक की एक प्लेट कट की है मैंने एक टिफिन बॉक्स से। थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो लीजिए और इसको बेलन या पैन की सहायता से बेलकर, या मतलब रोटी की तरह बनाकर इसको उस कार्डबोर्ड पर हमें चिपकाना है। चिपकाना मतलब किसी फेविकोल या ग्लू से नहीं चिपकाना है, केवल पानी की सहायता से ये चिपक जाएगा। अब इसकी जो किनारी है ना, इसको पानी, थोड़ा सा पानी लगा लगा कर इसको स्मूथ करना है, जैसा कि देखिए मैं कर रही हूँ। सूखा नहीं करना है, थोड़ा पानी उंगली में लेते जाइएगा और करते जाइएगा। सेम इसी प्रोसेस से हमें पूरे कार्डबोर्ड पर इसको इसी तरीके से चिपका लेना है। जैसा कि देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है। अब सिंपली किसी भी चीज़ से, या तो आप फोक ले लीजिए या नाइफ ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर ये मॉडलिंग टूल्स हैं तो आप इनसे भी लाइनिंग कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन में नहीं लाइनिंग करनी है, सिर्फ सीधी सीधी जैसा आपको समझ आए वैसा आप करते जाइए। ट्री ट्रंक के जो कटे हुए तने होते हैं उनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया है। आप चाहे तो फॉइल पेपर, न्यूज़पेपर या फिर किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन घर में बहुत हो जाती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं समझ में आता है, तो मैंने सोचा फॉइल पेपर बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन यूज़ की है। पॉलीथीन को रोल करके उस पर पेपर टेप मैंने चिपकाया है। आप चाहे तो सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा हमने कार्डबोर्ड पर वॉल पुट्टी डो लगाया था उसी तरीके से हमें इसको भी रैप करना है और पानी की सहायता से इसको स्मूथ कर लेना है। इसके जॉइंट को, जहाँ पर ये क्ले जॉइंट होती है वहाँ पर निशान बन जाता है, तो उस निशान को मिटाने के लिए पानी का यूज़ करना है।
और हाँ एक बात और दोस्तों, आप जब भी कभी काम करें, जब भी क्राफ्ट बनाएं, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक सरफेस सूखने के बाद ही हमें दूसरी लेयर पर काम करना है। मतलब जैसा कि मैंने कार्डबोर्ड पर वॉल पुट्टी डो की जो लेयर लगाई थी उसको सूखने के बाद ही मैं ये काम कर रही हूँ। गीले उस पर काम नहीं करना है आपको। आप कोई भी क्राफ्ट बनाएं, कैसा भी बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि एक लेयर सूखने के बाद ही आपको दूसरी लेयर पर काम करना है। इसलिए जब भी आप क्राफ्ट बनाएं तो वॉल पुट्टी डो बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही 2-3 चम्मच 4 चम्मच जितना कि मैंने बताया इतना ही बनाना है आपको। अगर 4 चम्मच वाला डो भी आपके लिए ज़्यादा हो रहा है तो आप तो एक साथ 2-2 क्राफ्ट पर काम कर सकते हैं। मैंने ट्री ट्रंक का तना लगाकर उसको भी सूखने के लिए रख दिया है और अब उसी डो से, बचे हुए डो से मैं कुछ पत्तियाँ, फूल, चिड़िया इस तरीके से मैं बनाकर रख लूँगी जो कि बाद में हमारे काम आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या मन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ट्री का स्ट्रक्चर देखते हुए मैंने और भी इसमें छोटे बड़े तने इस तरीके से लगाए हुए हैं। क्ले पर डिज़ाइन बनाने के लिए आप चाकू, पेन या किसी भी घर में पड़ी हुई चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेविक्रिल यानी कि एक्रेलिक कलर का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले ब्लैक कलर पूरे पे कर लेना है और फिर जैसा ट्री ट्रंक का कलर होता है उस तरीके से हमें कलर बनाकर, या फिर आप कोई और भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन मॉस का भी एक स्ट्रक्चर उकेर दिया था क्ले से ही, उस पर मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है ताकि ये लगे कि ग्रीन मॉस उभरा हुआ है। देखा ना फ्रेंड्स कितना इजी था ये बनाना। आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसा क्राफ्ट है जिसको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता होगा वो भी बना लेगा। हमने जो पत्तियाँ, चिड़िया, फूल बना के रखे हुए थे अब इसमें चिपकाने का टाइम आ गया है। मैं इसको ग्लू से चिपका रही हूँ, आप हॉट ग्लू या फिर वॉल पुट्टी के पेस्ट से भी चिपका सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। कलर ड्राई होने के बाद आप इस पर सिंगल कोट या डबल कोट एक क्लियर वार्निश की कर दीजिए जिससे कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।